हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। सो थंबनेल में आपने क्वेश्चन देखा है जो मेरे बैकग्राउंड में है। मैं अपने आप को अभी इमेज से आउट कर रहा हूं। अब क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अगर आप दो चीज सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होगा, तो आप में कहीं ना कहीं एक डर है क्वेश्चंस को लेके। तो क्वेश्चन से डरना मत स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन से लड़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। आप एप्टीट्यूड की एग्जाम देने जा रहे हो, आप ओलंपियाड देने अभी नहीं जा रहे हो, तो आपका एप्टीट्यूड आपके लेवल पे ही सेट होता है। तो इसको समझना स्टार्ट कीजिए। पहला डर होगा कि पता नहीं ये क्या क्वेश्चन बना हुआ है, क्या लाल पीला फिगर है। दूसरा डर होगा कि मैंने क्वेश्चन अगर बनाया है तो हो सकता है क्वेश्चन टफ हो। तो मैं आपको एक बेटर व्यू देता हूं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का एक बेटर व्यू है जो बिगर दिख रहा है। आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, अगेन क्वेश्चन को देखिए, समझिए। बहुत बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में यूज किए हैं, उसको लगाइए और इस क्वेश्चन को अगेन ट्राई कीजिए। तो आई थिंक अब आप क्वेश्चन को शायद सॉल्व कर पाए होंगे। डर को बाहर निकालिए कि मुझसे नहीं बनेगा। एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन में आप जा रहे हो ना, तो सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे यूज करना चाहूंगा। आप बस इसमें देखिए, हेक्सागन है। हेक्सागन के मेजर डायगनल को अगर मैं मिला लूं, तो मैंने इस लाइन से इस डायगनल को मिलाया, देन ये मेरा मेजर डायगनल है। यहाँ पे मेजर डायगनल का मतलब जो लॉन्गेस्ट डायगनल है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन लॉन्गेस्ट डायगनल है, मुझको ये पता है, एंड टोटल 6 साइड्स है। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो एक ट्रायंगल जो आपका ये क्रिएट होता है, इस टाइप से 6 ट्रायंगल्स क्रिएट होते हैं। तो आइए अब फोकस करते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो ये आपका हो गया ई एफ जे। प्लीज इसी ट्रायंगल को गौर से देखिएगा और बाकी सारे ट्रायंगल्स को हटा दीजिएगा। तो ई एफ जे में अगर आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बाय द सिमिलैरिटी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि आई इज द मिड पॉइंट, या आप वो निकाल सकते हैं कि मिड पॉइंट कैसे है, ये हेक्सागन का प्रॉपर्टी है, एंड जे इज द मिड पॉइंट। तो एफ आई एंड ई जे इज नथिंग बट द मीडियन। एंड मैं अगर तीसरा मीडियन भी यहां से ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास मीडियंस हो गए हैं। अब मैं मीडियंस की बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करता हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेजर डायगनल्स हेक्सागन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड इन ट्रायंगल्स मीडियन 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। तो चाहिए नोमेनक्लेचर को मैं वैल्यू में चेंज करता हूं। अगर इसका एरिया 1 है, ये भी 1 होगा, 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 इट मींस दिस एरिया शुड बी 2। उसी तरह इसका एरिया भी 2 होगा, इसका एरिया भी 2 होगा, सो टोटल रीजन का एरिया क्या होगा, 6। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है, 6, एंड वी हैव सच 6 ट्रायंगल्स। तो 6 इंटू 6 इज नथिंग बट 1/6, एंड परसेंटेज निकालना है तो 16.66% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछते हैं। आप क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि उसमें कौन सा टॉपिक यूज हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और ये प्रोसेस आपको 10 सेकंड के अंदर कर लेना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है, और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये हम लोग सब कुछ कर रहे हैं अपने कोर्स के अंदर। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन। तो आई होप इट इज क्लियर आपको करना क्या होता है। आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करने होते हैं, उसको यूज करना होता है, और अपना बेस्ट देना होता है। तो आई होप इट इज ओके। सो विथ ऑल द बेस्ट विशेस, माई सेल्फ अमीर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।